हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल तानिया बैकयार्ड प्लांट। सो फ्रेंड, आज मैं आपको एक बहुत सुंदर से पौधे के बारे में बताऊंगी जो बहुत सुंदर है और जो मुझे गिफ्ट में मिला है। प्लांट देखने में तो बहुत सुंदर है ही, लेकिन उसकी जो लीफ है वो और भी सुंदर है। उस प्लांट के लिए मैंने यहाँ ये पॉट लिया है क्योंकि उसके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि वो प्लांट अभी बहुत छोटा है। तो मैंने इसमें कुछ होल किए हैं और मैं इसके ऊपर ये पत्थर का टुकड़ा रखकर मिट्टी डाल दूंगी। ये सनचेजिया का प्लांट है जो कि बहुत सुंदर है और ये थोड़ा मुरझा भी गया है क्योंकि काफी दूर से आया है। इस प्लांट की एक और खास बात है, आप इसमें देख रहे होंगे इसमें एक ग्रीन लीफ है और एक येलो लीफ है। जो ग्रीन लीफ है उसमें येलो लाइनिंग होती है और जो येलो लीफ है उसमें ग्रीन लाइन होती है। तो ये बहुत सुंदर होता है और सबसे सुंदर बात ये है कि इसमें जो फ्लावरिंग होती है वो बहुत सुंदर होती है। यहाँ पर जो सॉइल ली है वो 10% मिट्टी है, 15% रेत है और 5% नॉर्मल खाद जो आप यूज करते हो वही है, और उसी में मैं इस प्लांट को लगा रही हूँ। इस प्लांट की एक और खास बात है कि ये बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, ये कटिंग से भी इजीली लग जाता है और इसकी ग्रोइंग भी बहुत अच्छे से होती है। अगर हम कोई भी पौधा लगा रहे हैं तो बेटर होगा कि हम शाम के टाइम ही लगाएं, क्योंकि वो अच्छे से मिट्टी में सेट हो जाती है उसकी रूट्स। और अगर आप दोपहर में लगा रहे हैं तो उसको आप छायादार जगह में ही रखें, धूप में ना रखें। जब हम कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसमें स्टार्टिंग में जो हम पानी डालते हैं बहुत ही अच्छे से डालें, ताकि वो पूरी मिट्टी गीली हो जाए, उसमें जो उस पौधे की रूट्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएं। और सेकेंड टाइम जब हम उसमें पानी डालेंगे तो वेट करेंगे कि ये मिट्टी थोड़ा सूख जाए। मिट्टी सूखने के बाद ही हम सेकेंड टाइम उसमें पानी डालेंगे। तो अब बात करते हैं इस प्लांट की सनलाइट की। तो इसे कैसी सनलाइट चाहिए? इसको सिर्फ सुबह के 2 घंटे की सनलाइट चाहिए, और इसके बाद अगर हम इसे तेज़ सनलाइट में रखते हैं तो इसकी जो लीफ होती है उनमें शाइन नहीं रहती है, रुखी रुखी सी हो जाती है। और अगर आपको शाइन चाहिए तो आप इसे या तो छज्जे के नीचे रखें, या अपने बड़े पौधों के नीचे भी रख सकते हैं, या फिर आप किसी नेट के नीचे रखें तो आपका पौधा ग्रीन भी रहेगा, उसकी लीफ शाइन भी करेंगी। ऐसा करने से आपका पौधा बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। और बस आपको 1 महीने के बाद इसमें कंपोस्ट डालना है, वो भी 1 मुट्ठी, और साथ में गुड़ाई भी कर देनी है। इस प्लांट की लीफ पर साइन पाने के लिए आप सादे पानी का हर दूसरे दिन स्प्रे करते रहें। इस प्लांट पर जो फ्लावरिंग होती है वो रेड और येलो कलर की होती है और वो फूल बहुत सुंदर लगते हैं। इस पौधे पर साल में 1 ही बार फ्लावरिंग होती है और काफ़ी टाइम तक रहती है। अगर हम इस प्लांट पर ओनियन का बना फर्टिलाइजर का स्प्रे करते हैं तो ये फ्लावरिंग लॉन्ग टाइम तक बनी रहती है, और जल्दी से ये हमारे फूल ख़राब भी नहीं होंगे और काफ़ी टाइम तक ऐसे ही बने रहेंगे और हमारे गार्डन को महकाते रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय।